नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे SSC CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 जनवरी 2017 में, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। आल सिप के सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि 9 जनवरी के डेट के पेपर में क्या क्या पूछा गया। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक डाटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ASP नेट, दूसरा है जावा, तीसरा SQL, सी है C++। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों, डाटाबेस प्राप्त करने के लिए आंसर होगा SQL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक ट्राम का द्वारा आविष्कार किया गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्राम का आविष्कार किया गया था फियोदोरो प्रीतुशिस्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हीमोफालिया का लक्षण कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए रतौंधी, दूसरा रक्त का थक्का न जमना, तीसरा है रिकेट, चौथा है हीमोग्लोबिन की अल्पता। तो ऑप्शन आंसर होगा रक्त का थक्का न जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन है एक हाइड्रोफिली, दूसरा एंटोमोफिली, तीसरा एम्ब्रोफिली, चौथा है ऑर्निथोफिली। तो इसका आंसर होगा ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। आपके ऑप्शन है एक मोलस्का, दूसरा ऑप्शन है एनिलिडा, तीसरा है निडेरिया, चौथा है आर्थोपोडा। तो मकड़ियां जो प्रजाति के अंतर्गत आती हैं वो है आर्थोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका घनत्व तो सर्वाधिक होता है। आपके ऑप्शन है एक पानी, दूसरा बर्फ, तीसरा एथिलीन, चौथा एसीटोन। तो पानी का घनत्व तो जो होता है वो होता है पानी में, सबसे ज्यादा घनत्व जो जिसका होता है वो पानी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में होता है, आपके ऑप्शन है एक प्रोटास्क होते हैं, दूसरा न्यूट्रास्क होते हैं, तीसरा न्यूट्रास्क होते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा महाविहार साइट में है। आपके ऑप्शन है एक राजस्थान, दूसरा असम, तीसरा है बिहार, चौथा है गुजरात। तो नालंदा महाविहार साइट है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल में आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है एक बाड़मेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है सहारा, चौथा है थार। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2015 में ब्याज की मामूली दर 6% थी और तब मुद्रा स्फीति की दर 1.5% थी। तो वर्ष 2015 में ब्याज की असली दर क्या थी। आपके ऑप्शन है एक 7.50%, दूसरा है 4.50%, तीसरा है 4%, चौथा है 0.25%। तो इसका आंसर होगा 4.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है कहते हैं। आपके ऑप्शन है एक अत्यावश्यक वस्तुएं, दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं, तीसरा है बेविलियन वस्तुएं, चौथा है गिफिन वस्तुएं। तो इसका आंसर होगा गिफिन वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। तो इकोलॉजी शब्द की रचना की थी, आपके ऑप्शन है अर्नेस्ट हेकल, दूसरा है जी एविलियन हर्चिनंश, तीसरा है हार्वर्ड डी राइस, चौथा है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका आंसर होगा अर्नेस्ट हेकल।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि केले की छाई पौधों की एक बीमारी है, यह एक के कारण होती है। आपके ऑप्शन है एक वायरस, दूसरा है कवक, तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है कीटक। तो केले की छाई में जो बीमारी होती है वो होती है कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालो पिकासी से था, आपके ऑप्शन है एक भारत, दूसरा यूके, तीसरा स्पेन, चौथा इटली। तो पाब्लो पिकासो जो था वो था स्पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्नलिखित भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मानी गई है। आपके ऑप्शन है एक भूत झुलकिया, दूसरा भूत मोहबोरा, तीसरा है लाल चीटिन, चौथा है श्याम शामक। तो भूत झुलकिया आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है एक बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा है नेपच्यून, चौथा है मंगल। तो सबसे गर्म जो ग्रह होता है वो होता है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। आपके ऑप्शन है एक नाथुराम गोडसे, दूसरा जेम्स रसेल, तीसरा है सच्चा सिंह बस्सी, चौथा है कुंदर मेहता। तो आंसर होगा नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी क्या थी। आपके ऑप्शन है एक पटना, दूसरा है फतेहपुर सीकरी, तीसरा इस्लामाबाद, चौथा है लाहौर। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वर्ष 2016 का ऑस्कर विजेता है। आपके ऑप्शन है एक लियोनार्डो डीकैप्रियो, दूसरा है ब्रायन क्रिस्टन, तीसरा है मैट डेमन, चौथा है मिशेल फासवेडर। तो वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वर्ष 2016 का ऑस्कर विजेता पुरस्कार जो था वो था लियोनार्डो डीकैप्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है एक आइजैक न्यूटन, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टाइन, तीसरा है नील बोर, चौथा है माइकल फराडे। तो सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है लेक्सोमीटर, दूसरा है नैनोमीटर, तीसरा है फैदोमीटर, चौथा है हाइड्रोमीटर। तो इसका आंसर होगा फैदोमीटर। महासागर की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है किरण देसाई, तीसरा है के नटवर सिंह, चौथा है के एम मुंशी। तो सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने सभा का आंदोलन किया था और आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपके ऑप्शन है एक 8 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष, चौथा 2 वर्ष। तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है कुल 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंबाराम किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। आपके ऑप्शन है एक भाला फेंक, दूसरा तीरंदाजी, तीसरा क्रिकेट, चौथा है बैडमिंटन। तो लिंबाराम जो खेल से संबंधित है वो तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिम प्लेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा। आपके ऑप्शन है एक शशि थरूर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा है नीरज सिंह चौधरी, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। आपके ऑप्शन है एक अर्नेस्ट हेकेल, दूसरा है जी एविलियन हर्चिनेंस, तीसरा है हागुडीजी राइस, चौथा है रॉबर्ट ब्राउन। तो इकोलॉजी शब्द की रचना की थी अर्नेस्ट हेकेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले की छाई पौधों की एक बीमारी है, यह एक के कारण होती। आपके ऑप्शन है एक वायरस, दूसरा है कवक, तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है कीटक। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा कवक। केले की छाल से बीमारी जो होती है वो कवक के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाब्लो पिकासो से था, भारत से था, दूसरा यूके से था, तीसरा स्पेन से था या चौथा इटली से था। तो पाब्लो पिकासो जो था वो स्पेन से था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मानी गई है? आपके ऑप्शन है भूत झुलकिया, दूसरा भूत मोहोरा, लाल चिटिन और लाल शामक। तो इसका आंसर होगा भूत झुलकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडेशिया स्क्यूरियोरस का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है एक चूहा, दूसरा प्लेटिपियस, तीसरा गिलहरी, चौथा है बीवर। तो इसका आंसर होगा रोडेशिया स्क्यूर का नाम है गिलहरी का नाम, वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है एक फेरल की अभिक्रिया, दूसरा है रोडक्स अभिक्रिया, तीसरा है डेमंग की अभिक्रिया, चौथा है कोरल की अभिक्रिया। तो इसका आंसर होगा रेडॉक्स की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है एक फराडे, दूसरा हिजनबर्ग, तीसरा हुक, चौथा रदरफोर्ड। तो नाइट्रोजन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? आपके ऑप्शन है कृष्ण देव राय, दूसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा नरसिंह देव। तो ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा आंध्र प्रदेश। तो नेपाली भाषा बोली जाती है सिक्किम में, आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्माता को अपने उत्पाद के लिए दो से मांग की कीमत लोच का सामना करना पड़ता है, यह 5% से इसकी कीमत को कम करती है तो बेची गई मात्रा में की वृद्धि हो जाएगी। आपके ऑप्शन है एक 3%, दूसरा 10%, तीसरा है 2.50%, चौथा है 7%। तो आंसर होगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज का निर्माण है? आपके ऑप्शन है एक बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं होता, चौथा है पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज का निर्माण बढ़ता है, ऑप्शन होगा पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है? आपके ऑप्शन है जीजर काउंटर, दूसरा है पिलारोमीटर, तीसरा है कैलोरीमीटर, चौथा है रेडियोमीटर। तो इसका आंसर होगा जीजर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हेमाटाइट का एक अयस्क खनिज है? आपके ऑप्शन है एक जिंक, दूसरा आयरन, तीसरा लेड, चौथा मैग्नीज। तो हेमाटाइट का अयस्क खनिज है वो है होगा आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हॉलीवुड मूवी टॉप गन का मुख्य अभिनेता कौन था? आपके ऑप्शन है एक हैरिसन फोर्ड, दूसरा है टॉम क्रूज, तीसरा है मेल गिब्सन, चौथा है निकोलस केज। तो हॉलीवुड मूवी टॉप गन का मुख्य अभिनेता है टॉम क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है एक कॉस्मोलॉजी, दूसरा है एस्ट्रोलॉजी, तीसरा है सिस्मोलॉजी, चौथा है लिनमोलॉजी। तो इसका आंसर होगा कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? आपके ऑप्शन है एक 22 नवंबर, दूसरा 22 दिसंबर, तीसरा है 22 मार्च, चौथा है 22 जून। तो इसका आंसर होगा 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फ्रेड हिटलर एक राजनेता लाखों यहूदियों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था? आपके ऑप्शन है एक जर्मन, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा है ऑस्ट्रेलियाई, चौथा है ब्रिटिश। तो इसका आंसर होगा जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किससे विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, तो वो थी संयुक्ता। संयुक्ता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी संयुक्ता, उन्हीं के साथ विवाह किया था। और ये जयचंद पृथ्वीराज चौहान के भी बहुत ही कट्टर शत्रु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वश्रेष्ठ सॉरी सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2016 का ऑस्कर विजेता फिल्म कौन सा है? आपके ऑप्शन है सन ऑफ सोल, एवरेस्ट ऑफ द सरपेट, मस्टैंग या आई बार। तो इसका आंसर होगा सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म 2016 की ऑस्कर विजेता फिल्म जो है वो है सन ऑफ सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होता? आपके ऑप्शन है त्वरण, दूसरा गति, तीसरा स्थितिज ऊर्जा, चौथा है अंतर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा त्वरण के कारण गेंद ऊपर नहीं फेंकी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग से चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी? यदि वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती। आपके ऑप्शन है एक औसत गति एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाले समय पर निर्भर करती है, दूसरा है एक, तीसरा है औसत गति औसत वेग के समान ही होती है, चौथा है शून्य। तो इसका आंसर होगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 1 150, दूसरा 200, तीसरा है 250, चौथा है 300। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात की प्रतिनिधित्व करता है? आपके ऑप्शन है एक गति, दूसरा सत्य, तीसरा विकास, चौथा भविष्य। तो सत्य का प्रतिनिधित्व करता है अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, के श्रीकांत ने भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है एक बैडमिंटन, दूसरा बिल्डर्स, तीसरा मुक्केबाजी, चौथा शतरंज। तो बैडमिंटन के लिए श्रीकांत ने जीता था अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी ए म्योमार पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है सलमान रुश्दी, दूसरा अरुंधति राय, तीसरा है बेबी हाल्दर, चौथा है रोहिस्टन मिस्त्री। तो इसका आंसर होगा बेबी हाल्दर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।